बंगाल में जो हुआ वो पूरे देश की एक नाराजगी थी, वो किसानों की नाराजगी थी, देश के नौजवान की नाराजगी थी। जो देश का दलित है, देश का आम वर्ग है, देश का किसान है, ये पूर्ण रूप से उसकी नाराजगी थी। और जो संयुक्त मोर्चे के लोग वहाँ पे गांव-गांव गए और उन्होंने वहाँ पे मेहनत करी तो उसका रंग वो दिखा। वहाँ पे बीजेपी को हार हुई और वहाँ पे जो ममता बनर्जी है उसकी वहाँ पे जीत हुई। तो ये एक किस्म से संयुक्त मोर्चे की, किसान की और देश की आम जनता की जीत वहाँ पे है। यही हाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में रहा, जो पंचायत के चुनाव हैं या प्रधानी के चुनाव हैं उसमें भी यही है कि बहुत करारी हार बीजेपी की हुई है और बहुत जगह धोखाधड़ी से इन्होंने अपने लोग जुटाए। पूरा पुलिस प्रशासन का पूरा मिसयूज करा गया, लोगों को जबरदस्ती हराया गया, जो जीते हुए कैंडिडेट थे उनको हराने का काम करा गया। उसके बावजूद भी बहुत बुरी हालात है। आज अब ये जिला पंचायत के जो अध्यक्ष बनेंगे इसमें पूरे विपक्ष को एक होना चाहिए। विपक्ष एक होगा तो इनको आप मात दे सकते हो, अगर विपक्ष एक नहीं होगा तो ये फिर हावी होंगे। और पूरा जो इनका पुलिस फोर्स है, जो इनको एसओज हैं, जो थाने हैं, वे पूरा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। तो लोगों को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सब लोग इकट्ठे होकर इनका मुकाबला अगर करोगे तो आप जिंदा रहोगे, नहीं तो ये जिला पंचायत अध्यक्ष अपने बनाएंगे। और कम वोट इनकी है उसके बावजूद भी ये बनाएंगे, क्योंकि पुलिस फोर्स इनके हाथ में है तो इनका मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ पे धरना जो गाजीपुर पे है या पूरा दिल्ली के चारों तरफ है, ये धरने चले हुए हैं। और धरने ये जब तक चलेंगे जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, मसलों का समाधान नहीं करेगी, ये धरने हटेंगे नहीं यहाँ से। जिस तरह से बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में आप लोगों के स्पष्ट अपील भी नहीं थी, बस ये था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग लड़ते हैं, संगठन के एक जगह से चार चार लोग लड़ते हैं, उसके बावजूद भी ये किसान और मजदूरों ने ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है। तो इस ये जो नाराजगी है धरातल पर, क्या सरकार इससे घबरा कर अब किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए कोई कार्य करेगी, ऐसी कोई उम्मीद है? अब उम्मीद है कि सरकार अब बातचीत जरूर करेगी सरकार, और अगर सरकार बातचीत अब भी नहीं करेगी तो ये आंदोलन तो खत्म नहीं होते, आंदोलन तो ये चलते रहेंगे, क्योंकि देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी उसके आंदोलन 90 वर्ष चले, तो किसान तो वापसी नहीं जाएगा, किसान तो लड़ाई लड़ेगा। और पूरे देश के हालात बहुत खराब है, पूरा देश को आधा देश इन्होंने बेच लिया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वे ये बेचने पर लगे हुए हैं और ये आम जनता को पता चल गया है सारा। नहीं तो जो आपने एक फिर वही कारपोरेट की बात आती है, आप बार बार इसको कहते हो, जिन कंपनियों को सरकार बेचना चाहती थी आज वही कंपनियां जीवनदायिनी साबित हुई हैं, और उन्होंने जो उनके यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होती थी उसको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके स्टील उद्योग ने, भेल ने और तमाम जो ऐसी कंपनियां थी जो बिकाऊ थी जिनकी लिस्ट पे थी आज वही ऑक्सीजन दे रही हैं। तो अगर सरकार के पास ये स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो हालात और खराब होंगे। और कोरोना पे आप सरकार का किस तरह से फेलियर मानते हैं? कोरोना पे तो सरकार ही नहीं, सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए। इनके तो जो मंत्री हैं वे हॉस्पिटलों में जाके लेट गए, अपने आपको कोविड का वो दिखा के और क्वारंटाइन हो गए वहां पे, हॉस्पिटल ले लिए। बहुत ये भ्रष्टाचार हॉस्पिटल में हुआ, अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल में इसमें ज्यादा ये हुआ है। क्यों नहीं करा जाते, क्यों इसके ऑक्सीजन के हॉस्पिटल अलग से बनाए जाते? जितने हमारे यूनिवर्सिटी हैं जो आज जिसमें बच्चे नहीं पढ़ रहे वे खाली है, उनको आप ऑक्सीजन के हॉस्पिटल बना दो, वो एक प्राथमिकता है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन बैंक की बात आप कर रहे हैं, ऑक्सीजन बैंक जो जैसे यहाँ पे गुरुद्वारा यहाँ इंदिरापुरम में गाजियाबाद में है, ये सड़क के ऊपर करीब 6,000 से ज्यादा लोगों की जान इन्होंने बचा दी अब तक।
तो हम हर शहर में उसमें बना सकते हैं, हर कस्बे में उसमें बना सकते हैं कि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर ही तो चाहिए उनको जी। आप उनको ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल करवा दो, ऑक्सीजन बैंक आप बनाओ, जैसे श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर में है या और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनकी बिल्डिंग वहाँ पे है, उनके वहाँ पे बच्चों के हॉस्टल वहाँ पे है, आप उसको बना दो, उसमें जो भी मरीज आ रहा है उसको लुटा दो, जो ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन मिल जाए। आगे किसी को हॉस्पिटल में रेफर करना है वहाँ पे कर दो, उसका कोविड सेंटर नाम दे दो, ऑक्सीजन बैंक नाम दे दो, ऑक्सीजन के हॉस्पिटल आप उनको दे दो, हल्की सी उनके मेडिसिन दे दो, तो ये दे सकते हैं। लेकिन सरकार हाथ खड़े करके और सरकार पब्लिक को बीच में छोड़ के भाग गई है। अच्छा, आप तो सरकार को देखना चाहिए क्या इस तरह की सरकारें होती है। आपकी मंशा ये है कि अगर किसी को सांस नहीं आ रहा तो आते ही उसको पहले ऑक्सीजन मिल जाए, दे दो उसको, इस तरह के हॉस्पिटल बनने चाहिए, हॉस्पिटल बन जाए, उसमें कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे दे रहे हैं, आप उससे एक सिलेंडर से, जैसे आप भी दे रहे हैं एक सिलेंडर से 20-20 बेडों को आप दे सकते हो, उसको एक सिलेंडर से 20 आदमी की जान बच सकती है, एक घंटे में एक सिलेंडर खत्म नहीं होता, उसमें उनको दवाई की भी आप जरूरत नहीं है, वे ठीक हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, उनको घर भेज दो, डिस्चार्ज कर दो। अभी एक बात और सामने आई है कि जो दूसरे देशों से मदद आ रही है वो जहाज भरे हुए एयरपोर्ट पर खड़े हैं और उनमें ऑक्सीजन जनरेटर हैं और तमाम इक्विपमेंट है, किट हैं, वैक्सीन वॉल्व हैं, और केवल वो इसलिए खाली नहीं हो पा रहे कि भारत सरकार ने अब तक कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं की है। अमेरिका ये चाहता है कि सभी राज्यों को समान रूप से चीज़ें मिलें और वो पॉलिसी भारत सरकार से मांग रहा है, क्योंकि उसको अब लगता है कि अमेरिका को भी देश की सरकार पर विश्वास नहीं रहा, और उसका ये कहना है कि अगर आपने बिना पॉलिसी के दिया तो भाजपा शासित राज्यों की ही मदद होगी, तो उसने एक प्लान मांगा है। और पिछले 25 तारीख अप्रैल को लास्ट जहाज आया था, उसके बाद मदद नहीं पहुंच पा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार क्या पूरा विश्वास खो चुकी है? नहीं, पूरा विश्वास खो चुकी है, बाहर से कुछ चीज आ रही है तो कहाँ मदद मिल रही है, कहाँ सामान जा रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन किट भी नहीं बट रही, जो कोविड की हल्की दवाइयाँ थी वो भी आम मरीजों तक नहीं जा रही, और बहुत इलाज लोग अपने घरों पर कर रहे हैं, उसको दवाइयाँ यहाँ फ्री दे दो, दवाइयाँ नहीं मिल रही, इंजेक्शन नकली मिल रहे हैं, जो मॉनिटरिंग सिस्टम था वो भी पूरा फेल है, जो अधिकारी थे वे भी छुप रहे हैं, तो इस पे सरकारों को काम करना चाहिए। और जो वॉलंटियर्स का जो काम है, भारतीय किसान यूनियन के लोग और भी स्वयंसेविक संगठन है, वे काम करना चाहते हैं, अगर सरकार गाइडलाइंस देगी तो उस पर काम करेंगे। यहाँ पे भी हम दे रहे हैं, मदद करवा रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उनकी मदद यहाँ पे करते हैं, तो उस पर काम करना चाहिए। तो आप ये चाहते हैं कि सरकार जो है कोविड का एक सर्टिफाइड इलाज का पर्चा दवाई जारी करे, जिससे कोई भी स्वयं सहायता समूह या कोई भी संगठन जनता को उपलब्ध करा सके, अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने का खतरा है, ऐसा भी आप चाहते हैं? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, अधिकारी की जिम्मेदारी है, वे किट कुछ किट बनी है और उन किट में आप सामान रख दो, एक किस्म से आप कोई भी कोविड का हो तो उसको आप दे दो, एक उसमें सैनिटाइजर दे दो, कुछ उसमें दवाइयाँ उसमें दे दो, कुछ उसमें मास्क दे दो, ये सारी चीजें दे दो। नहीं, अभी एक बात आपने कही कि बहुत सारे संगठन करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात का खतरा है कि अगर किसी की डेथ होगी तो उनके ऊपर मुकदमा ना हो जाए, तो सरकार को एक सामान्य लक्षण के लिए एक पर्चा जारी करना चाहिए। एक पर्चा जारी करें, उस पर डॉक्टरों की टीम बना दो, कोई मुकदमे नहीं कर रहा, आप अगर देखोगे और डॉक्टर अगर ठीक काम करें तो कोई वो नहीं कर रहा, एक बीमारी है, इस बीमारी से सब लोग उसमें मदद करेंगे, सब लोग आज भी तो लोग मर रहे हैं, आप जितनी हेल्प कर सकते हैं डॉक्टर वे हेल्प करें, उसमें सरकारी अधिकारी हैं वे हेल्प करें उसमें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो कोविड का रिकवरी रेट है वो 99% है, यानी कि 99% लोग ठीक हो सकते हैं, तो जिस बीमारी का रिकवरी रेट 99% हो उसको महामारी की तरह से ट्रीट किया जाना, और जितनी मौतें हो रही हैं इसका मतलब ये है कि देश में कोई व्यवस्था ही नहीं थी इसलिए लोग मर रहे हैं। व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था इसीलिए ज़्यादा डेथ हो रही है, और ज़्यादातर लोग ऑक्सीजन नहीं है उससे लोग की डेथ हो रही है, और आज भी उद्योगों पर बहुत ऑक्सीजन जा रही है, अब तो बंद करके उद्योगों की बंद करके, और ऑक्सीजन वैसे देनी चाहिए।
जी धन्यवाद। हमारे साथ थे राकेश टिकेत जी, और आज कोरोना बंगाल और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव पर जो बेबाकी से बात रखी है, आपसे आग्रह है कि इसको आगे तक पहुंचाएं और जो देश में एक संकट है उस संकट में आप सब लोग जो है साथ दें। और आप भारतीय किसान यूनियन के लोगों से क्या अपील करते हैं जी? भारतीय किसान यूनियन के लोग ये हैं कि अपने खेत को देखें, अपने धरनों को देखें, और जो लोग आज बीमारी की उनकी मदद करें, और क्या क्या उनको दवाई है वो दवाई अवेलेबल उनको जरूर करवा दें। इसमें दान पुण्य भी करें, गरीब आदमी बीमार हो रहा है, उसके पास में पैसा नहीं है, तो उसकी भी मदद करें। आज ये ना करें कि मेरे पास में पैसा है, पड़ोसी का नहीं है। आज ये समझेगा अगर पड़ोसी बीमार है तो कल मैं भी होऊंगा, तो पड़ोसी का ठीक होना जरूरी है। अगर पड़ोसी बीमार होगा तो वो बीमारी मेरे घर पे भी आएगी, तो हम पड़ोसी को ठीक करें, अपने पैसे से ठीक करें, उसकी मदद करें हर संभव। और ये नहीं होगा तो आने वाले टाइम पे ये बीमारी ज़्यादा फैलेगी और इससे ज़्यादा लोगों की डेथ होगी।